पिछले महीने भारत बचाओ यात्रा को लेकर सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर सुरेश चौहान के नांदेड़ आए हुए थे। इस दौरान एक तकरीब में इन्होंने बेहुदा बयानबाजी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई थी। चौहान के ने अपनी तकरीर में कांग्रेसी कायदीन की तारीफ भी की, जिसके बाद कांग्रेस से जवाब तलब किए गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया। इस सिलसिले में हमने आज साबिक़ वज़ीर आला और रियासती सदर कांग्रेस पार्टी अशोक राव चौहान से सवाल किए, तब इन्होंने अपनी बात रखी। अशोक राव चौहान ने कहा कि इस तरह के लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए और इस तरह के लोगों के साथ हमारे संबंध को जोड़कर देखना गलत बात है। हाल ही में एक सुदर्शन चैनल के प्रोग्राम था। अरे कोई कुछ बकवास करता है, ये जो बोलने वाले लोग हैं उनकी क्या अहमियत, उनके बोलने पर विश्वास क्या रख लोग थोड़े रखेंगे, आके झूठ बोलते हैं, सरासर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करते हैं। हमारा किसी ऐसे लोगों से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं है और ऐसे लोगों के किस्म से किसी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई भी ऑडिटोरियम है, कोई भी राज, इतने ऑडिटोरियम नांदेड़ में है, कोई भी किराया भर के ले सकता है, उसमें क्या है। और उनके हर आदमी जो प्रोग्राम करता है वहाँ पर ऑडिटोरियम में, वो थोड़ी उसकी जिम्मेदारी थोड़ी हम ले सकते हैं। नांदेड़ शहर में पूरे महाराष्ट्र, नांदेड़ के हर व्यक्ति से मेरे ताल्लुक का आते, इसका मतलब थोड़ी कि वो जो गलत काम करेगा उसका हमारा कोई उसको संबंध है, बिल्कुल नहीं, गलत बात।